बिस्मिल्ल अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सभी काजमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब लाइव नाजिम बहुत सी अहम खबरें इस वक्त जो पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है लेकिन मैं तीन अहम खबरें उनमें पहली पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है फौज को बाकायदा तौर पर कंट्रोल संभालने के लिए पहला मरहला जिसमें क्या होता है कि तमाम पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स और प्रमोशन ये फिलहाल आईएसआई के डीजी के हवाले ज़बरदस्ती करवा लिया गया है और ये वही काम था तो जो इमरान खान नहीं करता था आपको याद होगा जनरल फैस की प्रमोशन का मसला था इस वक्त हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर आ चुकी है वजीर ख़जाना मफ्ता इस्माइल इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं और फौज इस वक्त कंट्रोल संभालने के लिए मीशत का भी तैयार है लेकिन मीशत के अलावा जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क में आपको पता है जलाओ घिराओ शुरू हो चुका है आवाम की तरफ से महंगाई के खिलाफ अब ये मामला इन पिंडी बॉयज़ के कंट्रोल से बाहर चले गए पेट्रोल की कीमत में देखें साठ रुपए का इजाफा इन्होंने किया तीस रुपए शरीफ फैमिली की तरफ से तीस रुपये अली जरदारी साहब की फैमिली की तरफ से लेकिन अभी तीस रुपए जो मजीद तिहादियों को देना है उसमें इजाफ़ा करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पेट्रोल की कीमत तीन सौ रुपये तक आपको नजर आएगी तीन सौ रुपये तक सबसे पहले इस मुल्क में जो एमरजेंसी की बात हो रही है तो मैं आपको उसमें तफसील बताता हूँ कि ये करने क्या जा रहे हैं इनका प्लान क्या है आयन का आर्टिकल दो सौ बत्तीस से लेकर दो सौ सैंतीस तक ये सारा पाकिस्तान में एमरजेंसी के मुतल मालूम से है आप आयन पढ़ें किताब पढ़ा करें एक सौ बेशतर हालांकि उस पर फर... अमल तो पाकिस्तान में नहीं होता लेकिन आर्टिकल दो सौ पैंतीस अगर आप पढ़ें तो उसमें वो तमाम मामला जिसमें सदर गवर्नर से मशवरा करके ये फिनांशियल एमरजेंसी नाफिस करते हैं इसमें सबसे पहले जो मामला होता है कि वो आपके अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं आप पैसा मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसा रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट की हुई है वो पैसे अब अपने नहीं निकाल सकेंगे ये इनकी पहली गेम है ये अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं अब आयन के अंदर आपको पता है अवाम के जितने भी बुनियादी हकूक हैं वो सारे मअतल कर दिए जाते हैं और इसमें पाकिस्तान को तो खैर आपको पता है वो पैसे नहीं मिलते लेकिन अगर हुकूमत मज़ीद टैक्सेज लगाए अवाम के हकूक तो पहले ही नहीं है तो वो लगा सकते हैं और इन तमाम मामला को अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते जैसे पेट्रोल पर अगर लेवी हुकूमत सौ रुपया कर दे तो उसे कोई हुकूमत में आप किसी जगह पर कोर्ट में किसी जगह चैलेंज नहीं कर सकते हुकूमती मुलाजमीन की अब जो बेसिक तनख्वाह है मतलब छः हज़ार है, बाकी अलाउंस होते हैं सारे अब वह तमाम अलाउंस इसी अंदाज़ में बंद कर दिए जाएंगे और इसी तरह फिर ज़मीन और जायदाद जो है वह आप ख़रीदो फ्रोक़ करते हुए उसमें आपके मामला ख़राब होंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी कितनी रकम पड़ी है आप मुल्क के अंदर किसको कितने पैसे भेजते हैं कितने पैसे रिसीव करते हैं आपके घरों में जो पैसा सेविंग्स में पड़ा है ये एक सारा निज़ाम जो है इसको हुकूमत अपने कंट्रोल में लाने के लिए आपके कारोबार से मुतक़ आपके मालो दौलत से मुतलक आपकी फाइनेंशियल इसीलिए इसीलिए इसे, इसे, इसे फाइनेंशियल एमरजेंसी कहते हैं कि ये हालात आम हालात नहीं हैं हुकूमत को अभी समझ नहीं आ रही इस वक्त करें क्या तो उन्होंने देखे उनकी मैं आपको कुछ बयान बताता हूँ समझें पहले उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने पेट्रोल उस पर सब्सिडी देकर खजाने को नुकसान पहुँचाया अगला बयान वो देते हैं कि आई एम एफ से इमरान खान ने पेट्रोल महंगा करने का महदा किया फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपने ही बयान को वही बयान कि जी देखे हमें भी अब वही आई एम एफ का मुआदा करना पड़ रहा है फिर उन्होंने कहा जी आई एम एफ हमें कह रहा है पेट्रोल महंगा करें जो कि हमें करना पड़ेगा फिर उन्होंने कहा जी को इमरान खान ने जो मायदा किया वो कामयाब नहीं हो सका फिर उन्होंने कहा हमें आई एम एफ के पास लाजमी जाना पड़ेगा तो ये इमरान खान के फिर उन्होंने कहा जी कि ये आई एम एफ का प्रोग्राम इमरान खान खत्म करना चाहते थे बाद में कहते नहीं इमरान खान आई एम एफ का प्रोग्राम लाना चाहते थे मतलब इस वक्त इनकी कोई आपको पता कल सीदी नहीं इनको कोई पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है ये मामला इतने पेचीदा होते जा रहे हैं और यही वजह है कि मुफ्ता इसमाइल ने हाथ जोड़ लिए और उसने कहा हुकूमत को ये मेरा इस्तीफा आप ले लें मेरी जान छोड़ो सो पता है ये कंपनी नहीं चल सकती मईशत तबाओ बर्बाद रूस के हालात मैंने तफसील से आपको दो दिन पहले वीडियो में बताया सारे वो वीडियो जरूर देखें आप इन लोगों ने खूबसूरत तालाब को एक गंदे नाले में बदल दिया अब इमरान खान के दौर में आप जानते हैं कि इमरान खान का ये मामला जो था वो इमरान खान को पता था कि पाकिस्तान सब्सिडीज पर ज्यादा नहीं चल सकता कितना अरसा सब्सिडीज देंगे तो वो रूस इसीलिए गए कि वहां जाकर इस खतरे को टालने के लिए अब वोदा जो था कामयाब होने के बिल्कुल करीब था सारे मामला तय थे हमार अज़र ने वो दिखा दिया मामला सारा कुछ बड़ा आसान हाल था अब इस बहरान में से निकलने के लिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए मीशत को चलाने के लिए जो इमरान खान करते हैं कि एक दो काम है आप बाहर जाने वाले डॉलर्स और मुल्क में आने वाले डॉलर्स बाहर जाने वाले डॉलर्स और मुल्क में आने वाले डॉलर्स में फ़र्क कम करें आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ अब आप देख लें कि इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट्स आपकी टॉप पर थी दूसरे नंबर पर उसका जो हाल इकोनॉमी का आपको रिमिटेंस बढ़ाना पड़ती है अपनी बाहर से पैसा आए वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद मतलब से साठ से पैंसठ अरब डॉलर तक जा पहुंचा आप जरा देखें मांग मांग के एक अरब डॉलर के लिए क्या क्या कर रहे हैं रिमिटेंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तीसरा होता है कि आपको सरमायाकारी बढ़ाना पड़ती है जिसके लिए आपको याद होगा कि मोडीज ने रेटिंग का जो इधारा है वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने की जो रेटिंग थी वो ट्रिपल ए करती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब यहां पर हुकूमत क्या कर रही है एक सौ पचहत्तर करोड़ के इश्तहार दे रही है अब अब तीन साल में इमरान खान के बताएं कि लोड शेडिंग का नाम ही नहीं था बिल्कुल उसके बाद इन्होंने अभी जो कंट्रोल करने के लिए जो इमरान खान सब्सिडीज पर पेट्रोल भी दे रहा था कम कीमत पर इस करप्शन में एक महीने में मैं आपको सिर्फ एक वाक बताऊं कि सीडीए इस्लामाबाद जिसके पूरे महकमे को इमरान खान ने तकरीबन मुसलमान कर दिया था मतलब करप्शन से बाज गए थे अब गली मले के ढक्कन उतार कर गटर खोल कर बीस बीस पच्चीस पच्चीस हज़ार रुपया घर वालों से ले रहे हैं वहाँ पर ख़ुद मुझे इस्लामाबाद के शहरी शेर बता रहे हैं अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इमरान खान के दौर में आती थी अब देखें टोयोटा, मैकडोनल्ड्स हार्डीज ये अपनी मजदीद बिजनेसिस और शाखें पाकिस्तान में खोलने से इनकार कर रहे हैं एफ के पास जिससे ये सारी पकड़ते हैं लोगों को उनके पास अपने मुलाजमी को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं रही और ये सरकारी मुलाजमीन के लिए जो इनकी पेंशन पे आपको पता है इमरान खान ने काम किया था पहले उन्होंने कहा जी पचास फीसद कम करेंगे फिर पच्चीस फीसद और फिर पेंशन का निज़ाम ही खत्म कर देंगे लेकिन यहाँ पर भी ग्रेट सत्रह से ऊपर के मुलाजमन उनकी नहीं होगी उसे नीचे नीचे मतलब जुलम होगा भी तो गरीब के ही ऊपर होगा कि जिन्होंने इमरान खान को वोट दे के बनाया वो कहते हैं आप ये करें अब इन तमाम हालात का जिम्मेदार एक जिद्दी शख्स एक ज़िद्दी शख्स और तस्वीर आपने देखी होगी कि नौजवान आफिसर्स के साथ वो जो शहबाज शरीफ ख़ताब करें जुल्म की इंतहा देखें कि चालीस अरब की करप्शन सोलह अरब की तो मकसूद चपरासी के नाम पर इल्जाम में लुथड़ा हुआ एक पाकिस्तान का वाहद इदारा आर्मी जो बचा हुआ था यह लुथड़ा हुआ शख्स उन्हें खिताब कर है उन अफसरों को भी वैसे सलाम है कि जिन्होंने जब्त के साथ इस नजमो ज़ब्त के साथ वहां बैठकर बयान सुना उनकी ट्रेनिंग का ऐसा मान गया हूँ मैं बड़ा जिगरा चाहिए बड़ा जिगरा उनके एहसास जज्बा क्योंकि आपको पता है खुलकर बात तो होती है निजी महफलों में आपके भी अजीज़ रिश्तेदार सारे दोस्त अहबाब निजी महफलों में जो दोस्त बातें करते होंगे फौज में आपको भी पता है और फिर जिस अंदाज़ से कमर बाजवा साहब के साथ ये शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें आ रही हैं मुझे तो ये लग रहा है कि एक दिन एजाजी तौर पर शहबाज शरीफ को कहीं फौज में कोई हवलदार कोई सबेदार मेजर का ओद ही ना दे दें क्योंकि अब तक तो जो शहबाज शरीफ साहब ने इनके लिए काम किया है ये वही काम तो जो इमरान खान नहीं कर रहा था जो कि वजी अजम की सुबदीद थी एक तरफ आशी साहब वोट को इज्जत दो अमे इधारों के अंदर सिविलियन बालादस्ती हम बूट चाट नहीं है हम चेरी ब्लॉसम नहीं है ये बातें करते हैं ये पिछले तीन साल से दिमाग खा आ गए थे इस चीज पर हर बंदा इनका ये उनके साफ़ी अब साफ नजर आ रहा है कि जनरल बाजवा साहब के साथ तस्वीरें बनवा कर वो इमरान खान के चाहने वालों को ये बाजवा साहब जो तस्वीरें रिलीज करवा रहे हैं ये असल में तस्वीरें नहीं ये थप्पड़ हैं ये तमांचे हैं अवाम के मुंह पर कि देखें हम बड़े से बड़ा चोर बड़े से बड़ा डाकू इस मुल्क के बड़े से बड़े अहदे पर लगा सकते हैं क्योंकि ताकत का असल सर चश्मा आवाम नहीं है हम पिंडी बॉयज हैं और यह मुस्तकबिल का आपके फैसला करते हैं हिलरी क्लिंटन की ऑन रिकॉर्ड वीडियोज है इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े सफारतकारों की आप बातें सुन लें सब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान हो गया नाइजेरिया हो गया कॉन्गो श्रीलंका बनाना रिपब्लिक जितने भी हैं इन तमाम ममालिक पर फौजी क्यादत हमेशा सियासत में मसरूफ रहती है वहां पर मीशत बर्बाद रहती है ये देखें इमरान खान के खिलाफ पिछले दो महीने से भी अभी तक कुछ भी नहीं मिल सका कुछ भी निवरना है छोड़ते एक बगावत का इल्जाम लगाकर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है अच्छा दूसरा इनका बड़ा जबरदस्त प्रोपोगंडा कर रही है वहां में मायूसी किस तरह फैला रहे कि देखे जी अब इमरान खान कभी वापस नहीं आ सकता लेकिन अवाम तो जाग चुकी है इमरान खान ने जिस तरह इन्हें एक्सपोज कर दिया है जिस तरह लोग इनकी मोहब्बत में अंधी मोहब्बत में गुम हुए थे उनकी आंखें खुल गई इमरान खान तो लाजमी वापस आएगा वक्ती तौर तो पर आप चूंकि ये ताकत में है इनके साथ मगरब की तमाम क़ुतें हैं तो ये जाहिर है ये बिल्कुल लोगों को दिखा रहे हैं कि गेम खत्म हो चुकी है लेकिन मेरा ख्याल है कि गेम तो अब शुरू हुई है क्योंकि ये खुद अपने हाथों से अपनी हुकूमत खत्म करेंगे आप देखेंगे इसमें अलबत् पाकिस्तान का बड़ा नुकसान बड़ा दुख और बड़ी तबाही बाखुदा देख के दिल खून के आंसूर होता है और गुस्सा इस जिद्दी शख्स पे आता है कि इस साल तक अगर पाकिस्तान की हुकूमत रही है वाली तो पाकिस्तान मुकम्मल फारग हो जाएगा सिवाय आपको पाक फौज की गाड़ियों के अलावा गाड़ियां नजर नहीं आएंगी पेट्रोल पर, पर चलती और आर्मी का बजट तो तकरीबन तक फारग हो जाएगा अफवाज पाकिस्तान अफसोस के साथ कमजोर कर देगा और सिवाए इनके पास अपने जो रखे हुए हथियार बेचने के और कुछ भी नहीं रहेगा जिस तरह नौजवान फौजियों को बैठा के शहबाज शरीफ सामने के, के सामने बात करें इन्हीं फौजियों में से जर्नेल निकलेंगे आपको पता यही लोग निकलते इन्हीं जर्नेलों ने कल इन्हीं लोगों को दोबारा यही रगड़ा लगाना है तारीख बन जाएंगे हम लोग ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह जुल्फ्वार भुटो के दौर से शेख मुजीबरहान के दौर से हम ये बातें सुनते हैं अब ये तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक जिद्दी शख्स अपनी चार पाँच महीने की नौकरी रहते हुए किस तरह पूरे पाकिस्तान की मीशत पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तबिल नौजवानों का मुस्तकबिल, पूरा का पूरा दाव पर लगा गया और बिल्कुल उनको ऐसी बेशर्मी की इंतहा है कि इनके अंदर ज़रा रहम नहीं ज़रा इनके अंदर एहसास नहीं कि यार ये कर क्या रही है जुल्म क्या कर रहे हैं लेकिन आवाम जाग चुकी है देखें अल्लाह के घर देर है या नहीं है कल के नाम पर बना हुआ वतन है जब अल्लाह तला ने चाहा तो इसके साथ जो भी इमरान ख़ान ने जो खदशात इजहार किए हैं न्यूकलियर टेरेंस के ये जो मुल्क के तीन हिस्सों में टूटने की बात की है और सबसे ज़्यादा नुकसान इनका होना है सबसे ज्यादा जो है ना इन लोगों की अब मैं क्या कहूँ नुकसान होगा और यह बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उसकी वजह है कि इन्ही लोगों का सारा लगा हुआ है ये कितनी करप्शन लोग यही सवाल पूछते हैं कि एक शख्स ये जो है ये एक शख्स आर्मी चीफ क्या इसने कमा लिया करप्शन करने से क्या इसको किसी ने रोका हुआ था यह पहले थोड़ी करते हैं। और कर लेता करप्शन इनको इनके लिए करप्शन तो मसला भी नहीं है इसने क्या सारी जिंदगी इसी अहदे पर रहना था लेकिन अपनी ज़िद्द के हाथों शख्स ने पूरे पाकिस्तान को दाव पर लगा दिया बहरहन इस पर मजीद बातें करेंगे ये और अभी मजीद इस्तीफे आएंगे हकुमत तो अपने लड़खड़ा रही है यकीन करें और ये अपना खास ख्याल रखें इनशाला आपको फिर मजीद अपडेट्स में देता रहूँगा अल्लाफि